गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं जा रहा हूँ केविन के घर पे और केविन के घर पे जा रहा हूँ लोकेशन देखते देखते। मैं पहली बार जा रहा हूँ केविन के घर पे। मैं स्टेशन पे आया था, मुझे ईसा ने बोला था कि 6:45 ट्रेन है और 6 बजे नहीं 7 बजे आती है ट्रेन। वो मन है यार गाइस, फिर मैंने सोचा 2 घंटे क्योंकि अभी 5:30 बज रहा है तो 2-1.5 घंटे मैं किविन के घर पे चला जाता हूँ 1.5 घंटे के लिए। और 1.5 घंटे हमारा सफ़र चालू हो चुका है, वे टू मुंबई। मैं जा रहा हूँ किविन से मिलने और नील हमारा दोस्त से हम मिलने जा रहे हैं। वो भी आया है किविन के घर पे, वो बारडोली रहता है। चलो चलते हैं किविन के घर पे अभी फिलहाल। और थोड़ा मेरा बैकग्राउंड में कोई नहीं है, अभी मेरे ख्याल से 6:45 हो गया, 6:45 हो ही गया होगा। और लोकेशन में देख नहीं तो पहुँच के आपको बोलता हूँ। लोकेशन में देख लेता हूँ अभी कहाँ पहुँचा हूँ, उसके घर के पास जा रहा हूँ। लोकेशन में देख के मुझे पता ही नहीं है, रुको थोड़ा 5 मिनट के बाद मिलते हैं उसके घर पे जाके। गाइस मैं केविन के घर पे आ चुका हूँ और मैं एंटर करने वाला हूँ। ये देखिए अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी थोड़ा रात अंधेरा है, फिर हम थोड़ा चले जाते हैं केविन के घर में। तो मैंने केविन का घर देख लिया है, चलो चलते हैं। सन्नाटा है, हम लोग निकल चुके हैं केविन के घर से और ये हमारा दोस्त नील है। अभी नहीं दिख रहे हैं क्योंकि अंधेरा है। अब चलते हैं हम स्टेशन पे और हमारा सफर चालू होने वाला है। अभी ट्रेन तो आई नहीं है, 1.5 घंटे बैठेंगे स्टेशन पे। हम लोग अभी स्टेशन पे आ चुके हैं प्लेटफॉर्म 3 पे। अभी फ्लाइंग रानी आने वाली है, हम उसमें जाएंगे और वेट कर रहे हैं। फ्लाइंग रानी 7:15 आएगी, मतलब 7 बजने में 15 मिनट बाकी होगा तब आएगी मेरे ख्याल से। देखते हैं कब आती है, मिलते हैं ट्रेन आएगी तब मिलते हैं, बात करते हैं हम दोनों। ये देखिए लोग हैं, ये देखिए हमारे कॉलेज के आदमी हैं, सब आ रहे हैं। और इन लोग नहीं पता कहीं जाने वाला है, ये भाई बीच पे सोने वाला है लगता है। ये देखिए इन लोग का लवर है, एक आदमी आया था। गाइस उधर टीसी आ चुका है और हमारे पास रिजर्वेशन नहीं है। मैं और नील अरिशा और इन लोग आधे जान का इसमें से टिकट है। और वो देखिए टीसी आ रहा है, धंधा चालू हो गया है। एक काम चालू रही है पहले, माइकल भी हेल्प कर रहे हैं भाई। माइकल भाई वीडियो कॉल पे बिजी है। हाँ वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी है भाई। और ये देखिए इधर काम काज चालू है, रोजी रोटी। और हम कौन से जा रहे हैं पहुंचन के, और आप कुछ बोलना चाहोगे ध्रुविल के बारे में? नहीं मैं तो कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये बोलेगा, ये बंदा बोलेगा। ये बोलने बहुत है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। काम में डिस्टर्ब मत करो, चलो निकलो। बड़ा यहाँ आ गए, ये तो डंडो बंद कर फरवाई वाटा बड़े बड़े डंडा ले रहे हैं। डंडा में हमने होने गए हम के लिए नहीं, हाँ तो मैं मूर्खा के लागे। हाँ तो मैं पैसा ले लीजिए भाई, काम हो जाए। आ गया था इसलिए हम उधर हम दूसरे दोस्तार के पास चले गए थे, जा रहे हैं वापस उन लोगों के पास। भाई चला गया है और नील की बहुत फट रही थी टीसी से।
और इन लोग अपना बात कर रहे हैं, ये देखो। और वो रात इसी हम बच गए। सुनने वाले हैं तो चले जाते हैं। हम आ चुके हैं मुंबई सेंट्रल पे, और ये देखिए हमारे कॉलेज ये भाई है ना, ट्रेन में ही कॉल बनाना चालू कर दिया था अपना। फोटो ना थी गाइस, ये लींबू है, लींबू क्यों बोलते हैं मुझे नहीं पता है, आप इससे ही पूछ लो। भाई वो भाई को गोवा जाने का है, वो शॉर्ट चड्डी पहन का है। और हम मुंबई सेंट्रल में पहुंच चुके हैं, और देखते हैं अभी कहाँ जाते हैं। मेरे घर से चर्च गेट में जाएंगे और चर्च गेट में जाके घूमने सेल्फी ली है, जा रहे हैं। ट्रेन आ चुके हैं और हम एंटर करने वाले हैं। इन लोग बहुत भीड़ है और फटाफट चढ़ना पड़ेगा हमको, और ये भीड़ आपको दिखा रहा हूं। गाइस हम उतर चुके हैं चर्च गेट पे, और हमारे स्टैंड नंबर है किसके पास है। खाने पे चर्चा हो रहा है, लोग नाश्ता करने वाले हैं, सोच रहे हैं नाश्ता करने के लिए, और देखते हैं क्या खाएंगे। चलो आप बोल। इडली सांभर और मैदू वड़ा, और इन लोग भी यही खा रहे हैं मैदू वड़ा। गाइस हमने नाश्ता कर लिया और हम जा रहे हैं चर्च गेट, और ये लोग भी जा रहे हैं इडली सांभर खाया, और हम निकल चुके हैं चर्च गेट के लिए। कहीं भी जा रहे हैं लोग, नहीं पता कहाँ जाएंगे।